अभी हम पंपिंग स्टेशन के सामने जो ये होटल राजकमल है वहाँ पे, राजकमल रेस्टोरेंट वहाँ पे खाने आए। देखिए इसने बाहर, जब अगर बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, वैसा बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और आप लोकेशन देखिए, ये रिवर है और ये हाइड्रो पावर जो ब्रिटिश लोगों ने लगाया था। और यहाँ पे ये देखिए पूरा, और यहाँ पे हम अंदर लंच करने जा रहे हैं। ये देखिए ये पंपिंग यानी कि फुवारा है, ये देखिए कितना ऊपर जा रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ये यूनिक सी चीज़ है, बरोड कोई भी आएगा तो यहाँ पे ज़रूर बनता है आना, और लोग आते भी हैं। देखिए 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 देखिए, 20-25 यानी कि 30-30 फुट तक ऊपर चला जाता है ये पानी, और अपने आप चलता है ये प्रेशर से। कोई भी मैकेनिज्म यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। देखिए 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 देखिए, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो हिस्टोरिक है। ये ट्रॉली है, जब यहाँ का डैम बन रहा था बरोट वैली में अंग्रेज़ों के टाइम पे, तब जोगिंदर नगर यानी कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो रोड यानी कि बाई रोड 40 किलोमीटर है, तो सामान लाने के लिए ये ट्रॉली यूज़ करते थे। यानी कि ये ट्रॉली यहाँ से जाएगी, अभी फ़िलहाल तो ये इन ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ ऐसी बात चल रही कि इसको वापस चालू किया जाए, कुछ भी टूरिज़्म या कुछ भी करके पूरे जंगल जंगल में से। मैं थोड़ा आपको चल के ऊपर दिखाता हूँ कि ये ट्रॉली जोगिंदर नगर यानी कि जो 40 किलोमीटर रोड कवर कर रही है वो ये ट्रॉली स्ट्रेट वे जाती थी। और सामान वहाँ से यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे जब ये ब्रिज बना था, ये ब्रिज का या डैम, तब है ये बनी हुई है। आप देखिए क्या जगह है और क्या टेक्नोलॉजी रही होगी वो टाइम पे। यानी ये जो ये पटरी देख रहे हो वो मोर देन 75 ईयर्स, यानी कि अंग्रेज तो चले गए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन ये बना होगा तो उससे भी पहले। ये जो रिजर्वर है ना जो मैंने आपको दिखाया, वो वहाँ से पानी को यहाँ से बाईपास करके इसको हाइड्रो यहाँ पे है, और वो जो मैंने आपको दिखाया था रिजर्वर वहाँ पे डाला गया था। और आप देखिए ये पूरा यानी कि एक अलाइनमेंट बिठा के किया गया हुआ काम है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी मशीनरी और कुछ नहीं, एक ही सिंपल एक अलाइनमेंट का लॉजिक है। और इस तरह पानी चला आ रहा है चला आ रहा है, पहले उल रिवर में से रिजर्वर नंबर 1, बाद में ये बाईपास और बाईपास में से वो जो सामने आप देख रहे हो वो वहाँ से, और ये मशीन में से होके रिजर्वर 2 में। अमेजिंग, यानी कि आप एक तो नज़ारा बेहतरीन है और टेक्नोलॉजी वो भी 100 साल के पहले जो बनाई गई है अंग्रेज़ और हमारे खुद के कंट्री के इंजीनियर के द्वारा आजम के पहले वो। देखिए ये आप पूरा यानी कि ऐसा है कि मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ, ये जो सामने ऊपर दिख रहा है वो वहाँ पे भी पानी जमा है, वहाँ से पानी यहाँ पे कैनल के द्वारा लाया जाता है, और ये पूरा हाइड्रो पावर है यानी कि हाइड्रो प्लांट है। और ये पानी यहाँ पे यानी कि इस और ये मेन नदी है। तो आगे ऐसा हुआ सीन कि आगे पानी को ऊपर चढ़ाया गया रिवर में से, वो जो है वहाँ से यहाँ पे पानी को डंप किया जाता है, और बीच में
वो हाइड्रो प्लांट है। इस तरह ये पूरा काम करता है। और देखिए आप, यहाँ पे मैं यानी कि 10 मिनट से खड़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर से जाऊँ ही नहीं। और ये जैसे ही वो जो मैंने आपको जगह दिखाई वो फिनिश होती है, और आप देखिए ये सामने देखिए वो डॉगी, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं डॉगी यहाँ पे। और क्या बढ़िया नज़ारा, यानी कि शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए, ऐसा माहौल है ये। सामने टेंट लगे हुए हैं, रिवर की एक साइड पे डैम रिजर्वर, बीच में रिवर, बाजू में टेंट। आप देखिए जैसे कोई किसी ने पिक्चर ड्रॉ किया हो, उल रिवर, सही में दिल जीत लिया उल रिवर ने। ये घाटी और उल रिवर एट बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रही है। तो अभी हम लपास वाटरफॉल और सेसनाक वाटरफॉल जो दूसरों बोलते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। हमने हमारी कार वहाँ पे नीचे लगा दी। अभी हमारा एलिवेशन एल्टीट्यूड 1815 या 10 है। तो हम आपको दिखाते हैं, अभी हमें यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है। रास्ते थोड़े ज़्यादा ही कठिन है, तो हमने डिसीजन लिया कि हम गाड़ी वहाँ पे लगा के ट्रैक करके जाएंगे। देखिए रास्ते, वैसे तो निकल सकती है गाड़ी, लेकिन वी डिसाइडेड एंड प्रिफर कि भाई गाड़ी को रख देते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है, यानी कि अभी बारिश पूरी तरह रुक गई है, स्ट्रॉन्ग और अच्छी वाली धूप निकल चुकी है। आगे आप देख सकते हो भेड़ बकरियां। ये मैंने मेरे शानगढ़ वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो भेड़ होती है, बकरी होती है, वो अलग प्रकार का घास खाती है, गाय अलग प्रकार का घास खाती है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा शानगढ़ वाला। बहुत ही बढ़िया जीबी वाली ट्रिप है हमारी। देखिए ये जो पत्ते खा रही है वो गाय नहीं खाती, जो गाय खाती है वो ये नहीं खाती। और इन लोग के जो ग्रुप रहता है उसके साथ एक डॉगी हमेशा रहता है। बहुत ही बढ़िया रास्ता, ये थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन स्टीप है एकदम, तो थोड़ी सांस फूलनी ऑब्वियस है, लेकिन रास्ता शॉर्टकट है तो सांस फूलती है तो भी कोई बात नहीं। करीबन 1.5 किलोमीटर हमने चल लिया है। यहाँ पे देखिए, पानी का करो मान तभी बनेगा इंसान महान। वाह 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 वाह। देखिए अभी हमने एक ये स्लिप रोड यानी कि पगडंडी ले ली है मेन रोड छोड़ के। लपास से जो सेसनाक वाटरफॉल यानी कि लपास वाटरफॉल भी बोलते हैं इसको, वो करीबन है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हमने ऑलरेडी चल लिया और 1 किलोमीटर अभी बाकी है। आप नज़ारा देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन खेती, ये है आलू। इन्होंने आलू उगाए हैं और यहाँ पे अभी आलू होते हैं, बाद में इसके बाद वो लोग डालेंगे राजमा। तो हम यहाँ से राजमा लेंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पे आप आते हो तो वैसे भी कांगड़ा वैली में राजमा यानी हिमाचल में कई जगहों पे राजमा यहाँ का यानी कि एक मेन खेती ही उसको मान सकते हो आप। बहुत ही जूसी होते हैं तो लेने चाहिए। जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया ना, वहाँ से बहुत ही मस्त रोड है, यानी कि आप देखिए एकदम चिकना रास्ता है, लिपस सकते हैं कोई भी। बहुत मस्त लग रहा है ये। तो लपास वाटरफॉल आना तो बनता है। लपास वाटरफॉल लपास से 1 किलोमीटर और है। और वाटरफॉल की आवाज़ मुझे तो सुनाई दे रही है, आप कमेंट कीजिए आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है।
और वीडियो आगे तक देखिए, क्योंकि वाटरफॉल आने वाला है। हमारी हर ट्रिप में वाटरफॉल तो बनता ही है देखना, और हिमाचल है तो वाटरफॉल तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी ये आप, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाटरफॉल दो तरह से देख सकते हो आप, यानी कि दोनों तरफ से देखना है, एक ऊपर से और नीचे से। अभी हम ऊपर आ गए और ये देखिए पानी आ रहा है, ये पानी जा रहा है, ये पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, ये पानी यहाँ से करीबन 50-100 फुट नीचे गिर रहा है, और वहाँ पे सब रेस्टोरेंट यानी कि जो जॉइंट्स लगे हुए। तो हमने ऊपर से देख लिया, ये ऊपर, और अभी हम यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जब जॉइंट लग रहे हैं वो रास्ते से जाएंगे। फाइनली हम लपास वाटरफॉल, या इसको शेषनाग वाटरफॉल भी बोलते हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा ही पर पहुँच गए थे। पहले ऊपर से हमने पूरा वाटरफॉल देखा, वो पहुँच गए, वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि नीचे से भी ऊपर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया, थोड़ा डरावना था लेकिन बहुत बढ़िया। अभी हम नीचे खड़े हैं, तो यहाँ से आप जब ऊपर जाते हो, यहाँ से जब आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे एक लेफ्ट कट आएगा, और लेफ्ट कट से नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे नीचे पहुँच जाओगे, और वहाँ से सीधे से जाओगे तो वहाँ पे आ जाओगे। ईजी है, हमको भी अंदाज़ा हो गया था जब टर्न लिया, लेकिन हमें वाटरफॉल दोनों तरफ से देखना था। फ्लो देखिए पानी का, और आप बाद में देखिए पानी कैसे बह रहा है एकदम। जो आगे हमने देखा पोलिंग में पानी या वाटरफॉल, वो थोड़ा मिट्टी वाला था, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी के पहाड़ पे से ये पानी आ रहा है, यहाँ पे पत्थरों पे से आ रहा है। तो मैंने ऊपर भी देखा, पानी बहुत ही साफ सुथरा था, यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो और साफ होगा, ये जो बड़े बड़े तत्व रहते हैं उसके पानी के अंदर, वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी आगे चला जाता है, पानी का नेचर ही ऐसा है। तो लपास वाटरफॉल आप मेन रोड से करीबन मान के चलिए कि आधा घंटा आपको थोड़ा कार से, और थोड़ा आधा घंटा आपको कार से करीबन 10 मिनट और आधा घंटा चलना, कार बीच में रख दीजिए जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे, और वहाँ से आप चलते चलते तो 40 मिनट में आप मेन रोड से लपास वाटरफॉल आ जाओगे। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी सुविधा है, हम लोग एक्चुअली खाना खा के आए। बाकी आप लपास वाटरफॉल कैफ़े आगे भी है, 3-4 जॉइंट्स है, वहाँ पर आप खाना खा सकते हो, उनको सपोर्ट भी हो जाएगा। ये लपास में इस तरह का कैफ़े भी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप आइए यहाँ पे। ये एरिया ऐसा है बरोट में जो पूरा फर्टाइल है, और यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर आलू और राजमा की खेती होती है। ये भी कोई धान ही है, मुझे पता नहीं चल रहा है, अगर आपको नॉलेज है तो आप बताइए क्या है, वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। लपास वाटरफॉल तो दोस्तों आना बनता है, यहाँ पे अगर बरोट में आए और यहाँ पे नहीं आए तो बरोट ट्रिप हाफ, यहाँ पे तो आना ही है। और जैसे जैसे शाम हो रही है, शांति बढ़ रही है, यहाँ पे होम स्टे भी है मैंने देखे, यहाँ पे भी रुक सकते हो। और आगे देखिए ये नज़ारा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, हम जहाँ पे रुके हैं वो आपको मैं रूम का ज़रा ऊपर से ओवरव्यू दे दूँ कि किस तरह का है। इस तरह का रूम होता है, और ये बालकनी, और वहाँ से ऐसा व्यू आता है। तो
ऐसे नॉर्मल से रूम रहते हैं, जैसे ये बाजू वाला रूम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाजू वाला बालकनी। हम हरी स्नो में जहाँ पे रुके थे उसके सामने ही द क्लाउड इन करके एक होटल है, होम स्टे जैसा। आप देखिए इसका कॉन्टेक्ट नंबर। ये जो इनका एम्बियंस है ना, जहाँ पे हम बैठते हैं, ये बहुत ही पसंद आया था मुझे। और 7 रूम है इनके पास, तो अगर आपके पास ऑप्शन है सामने सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, और यहाँ पे धूप निकल रही है। ये जो सीटिंग एरिया है वो हमारे होटल में नहीं था, ऐसा अंदर था। देखिए ये एकदम लोकेशन इनका अच्छा है, तो आप यहाँ पे खाने के लिए आ सकते हो, रुक सकते हो वहाँ पे। रूम उनके अच्छे हैं बालकनी के साथ, जो मैं रुका था वो वाला हो। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है हरी। अभी हम बरोट मार्केट, छोटा सा ही है, वहाँ पे जा रहे हैं। और आप देखिए ये चेक डैम जैसा बना हुआ है, इस साइड पानी है और ये ऊपर पुल है। ये उसका गेट खोलने का पूरा। बरोट वैली भोजनालय, ये JDP फूड विला कैफे, अब मल्टी कुशिंग। छोटा सा ही मार्केट है। राजमा चावल यहाँ का बहुत फेमस, ठाकुर ढाबा।